हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जॉय 24 कैरेट गोल्ड ग्लो किट का रिव्यू करूंगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्यूटी हट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। इस किट को किस तरीके से यूज़ करना है इसका फुल डेमो भी इस वीडियो में दिखाया हुआ है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको इसके रिजल्ट के बारे में पता चल सके। इस किट पर मेंशन है प्यूरिफाई स्किन एंड इम्प्रूव टेक्सचर टू इम्पार्ट नेचुरल रेडियंस एंड इल्यूमिनेटिंग ग्लो। इस किट में गोल्ड स्पार्कल है और 5-स्टेप फेशियल किट है। ये 5 पाउच इस किट के अंदर हैं। इन पाउच पर कंपनी ने 1, 2, 3, 4, 5 नंबर डाले हुए हैं। इसमें क्लिंजर, स्क्रब, क्रीम, जेल, पैक 5 प्रोडक्ट हैं। इस किट का नेट वेट 28 ग्राम है और इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है और इसका MRP 90 रुपीज़ है। तो अब हम फेशियल को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे हमें क्लिंजर लेना है और उसे पूरे फेस पे लगा देना है। फेशियल स्टार्ट करने से पहले आप अपने हेयर्स को फेशियल बैंड या हेयर बैंड से अच्छे से पीछे टाई अप कर लें ताकि मसाज करते हुए ये फेस पर ना आए। अब ये जो क्लिंजर है इसे पूरे फेस पर लगा देंगे और हल्का सा पानी लगाकर इसकी 2 से 3 मिनट तक ही मसाज करेंगे। क्लिंजर से हमारे फेस पर जो डर्ट और डस्ट होती है वो निकल जाती है और हमारी जो स्किन है वो फेशियल के लिए रेडी हो जाती है। क्लिंजर की 2 से 3 मिनट मसाज के बाद आप वेट वाइप से फेस को क्लीन कर देंगे। अब हम सेकंड नंबर का प्रोडक्ट लेंगे, ये स्क्रब है। इसे भी आप अपने पाम पर ले लें और पूरे फेस पर लगा लें। स्क्रब की मसाज करते हुए आपको बीच बीच में पानी का हाथ जरूर लगाना है क्योंकि अगर आप पानी इसके साथ यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपके फेस पर रैशेस कर देगा और काफ़ी चुभेगा। स्क्रब की मसाज बहुत ही हल्के हाथों से करनी होती है। स्क्रब की मसाज मैक्सिमम 5 मिनट के लिए ही सही है। स्क्रब की मसाज से हमारे फेस पे जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं और हमारी स्किन डीप क्लीन हो जाती है और स्क्रब की मसाज से डेड स्किन भी निकल जाती है। 5 मिनट की मसाज के बाद हम वेट वाइप से स्क्रब को क्लीन कर देंगे। वाइप से क्लीन करने के बाद जो हमारे फेस पे छोटे छोटे ग्रैनुल्स रह जाते हैं उसे भी आप टॉवल की हेल्प से हटा देंगे। अब 3rd नंबर पर हम क्रीम लेंगे और उसे भी अपने पाम पर लेकर पूरे फेस पर लगा देंगे। अगर आपकी क्रीम की कंसिस्टेंसी थिक है तो आपको इसकी मसाज करते हुए रोज़ वाटर या वाटर का यूज़ करना है और अगर क्रीम की कंसिस्टेंसी थिन है तो आप बिना रोज़ वाटर या वाटर के भी इसकी मसाज कर सकते हैं। क्रीम की मसाज का जो टाइम है वैसे तो 10 मिनट है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप 15 मिनट भी क्रीम की मसाज कर सकते हैं और अगर आपकी एज कम है तो 5-7 मिनट भी आप इसकी मसाज कर सकते हैं। 10 मिनट क्रीम की मसाज के बाद आप वेट वाइप से फेस को क्लीन कर दें। अब 4 नंबर का प्रोडक्ट लेंगे, ये जेल है। इसे भी आप अपने पाम पर ले लें और पूरे फेस पर एक सार फैला लें। वैसे तो जेल की कंसिस्टेंसी मोस्टली थिन ही होती है तो इसके साथ हमें रोज़ वाटर या वाटर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी किट के अंदर जेल काफ़ी थिक है तो आप इसमें भी वाटर या रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। जेल की मसाज की टाइमिंग मैक्सिमम 5 मिनट है। 5 मिनट के बाद हम जेल को भी वेट वाइप से क्लीन कर देंगे। 5th नंबर पर हम पैक लेंगे और इसे एक छोटे से बाउल में निकाल लेंगे। पैक की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है तो हम इसमें रोज़ वाटर या टोनर को मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद फेस पर अप्लाई कर देंगे। फेस पर हमें पैक को किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है ये इस वीडियो में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। पैक को अपवर्ड मोशन में ही लगाएंगे, डाउनवर्ड नहीं करेंगे और इसको हम 10 मिनट तक फेस पर लगाकर रखेंगे। आप चाहें तो 15 मिनट तक भी फेस पर इसे लगाकर रख सकते हैं। फेस पर हम पैक को लगाएंगे तो आई सर्कल और लिप सर्कल को छोड़ देंगे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद जब फेस पैक सूख जाए तो इसे वेट वाइप से क्लीन कर देंगे। पैक को क्लीन करने के बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इस किट का यूज़ मेरी स्टूडेंट्स ने अपने फेस पर किया था, उन्हें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हुआ और ना ही किसी तरह की कोई इचिंग या इरिटेशन हुई है। तो आप भी चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर चेक कर लेना। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसी ही और वीडियोस के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।